सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जितने दोस्त मौजूद हैं। बहुत से लोग याद करते हैं, फिक्र करते हैं, तो यही कहेंगे कि वो हर हाल में मेरी फिक्र करता है, मैं खुश नसीब हूँ, वो मुझे खोने से डरता है। और यकीनन आप सब खुश नसीब हैं जिनको कोई भी आपका अपना खोने से डरता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितने दोस्त मौजूद हैं। आज दो, एक नहीं बल्कि दो बहुत खास रेसिपीज़ इस महफिल में आप सब दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग ये बात कर रहे थे कि मीठा डिज़र्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो आज बहुत ज़बरदस्त मीठा बना रहे हैं जी। और डिज़र्ट में हम बनाएंगे फ्रूटी कस्टर्ड, और उसके साथ एक नमकीन भी रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है चिकन टमाटर। सिंपल नाम है लेकिन इसका एक मज़े का सालन हमारा ये बिल्कुल होगा तैयार। चलते हैं प्रोसेस की जाने। अज्जा देख लीजिए, मीट मौजूद है हड्डी वाला, और अगले तीन दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे हम बीफ और मटन की भी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मौजूद है जी मीट 1/2 kg चिकन बोनलेस। दीगर अज्जा में नमक, सौंफ शामिल करनी है इसमें, कलौंजी शामिल करनी है, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है, लाल मिर्च, ठीक है जी, अदरक लहसुन, ऑयल, वेजिटेबल अच्छी खासी जाएंगे, जैसे कि इसका नाम है चिकन टमाटर, तो टमाटर अच्छे खासे हमने इसमें शामिल करने हैं। चलते हैं प्रोसेस की जानिब। पैन रखा, चूल्हा जला लेते हैं, इसे बहुत ज़बरदस्त गर्म होने दीजिए, ठीक है जी। जब तक ये गर्म होता जा रहा है तब तक हम बाकी वेजिटेबल भी काट लेते हैं जो हमने इसमें शामिल करनी है। तो बस चलते हैं सब्जियों की कटिंग की जाने, ठीक है जी। तो सब्जियों में यहाँ पे जो मौजूद है हमारे पास अनियन, प्याज को बिल्कुल छील लीजिए, पील ऑफ कर लेते हैं, और विलमैक्स की बहुत ही खूबसूरत आपको क्रॉकरी भी नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो थैंक यू विलमैक्स, आपका बहुत शुक्रिया। अनियन को पील ऑफ करते हैं, दो रेसिपीज बना रहे हैं आज, तो आज मेहनत हो रही है, ठीक है जी। तो बस प्रोसेस जारी है। सिंपली प्याज रखी इसके दो पीस के। अच्छा, इसके आज हमने स्लाइस और चॉप करके ऐड करना है। पहले स्लाइस कर लेते हैं, कट लगाया इस तरह। कट लगाने के बाद इस तरह से आपने चॉप करना है। देखिए पहले कट लगाए, दूसरे प्याज अनियन पे भी कट लगा लेते हैं, एक दो तीन और ये चार। कट लगाने के बाद टर्नओवर किया और इस तरह कर लेना है। सवाल पूछा जा रहा, क्या सवाल अब तक शेयर नहीं पूछा, आपको बताते हैं सवाल भी। और मौजूद है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? जी मैं आसिया शहजाद फ्रॉम लाहौर। क्या नाम? आसिया शहजाद फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं आप? लाहौर का मौसम कैसा है? सेट है? लाहौर का मौसम कुछ बेहतर है, सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है, धूप की आमद है, और साथ में लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। चले मुबारक हो। मुबारक दे या दुख में शरीक हो, समझ नहीं आता अब तुम। हाँ जी सही। अब क्या कहेंगी आसिया, कैसी हैं आप, सब सेट हैं? जी हाँ जी, मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे तो एक आपसे ना कॉर्न सूप की रेसिपी जो छटपट बन जाए मजे से, और नगेट्स की रेसिपी चाहिए जिसमें आप मुझे कब शेयर करेंगे और कब बताएंगे। मैडम कल जो हमने रेसिपी शेयर की थी आपके साथ, देखी थी आपने? हाँ जी, वो बहुत अच्छी थी। आपने फिंगर चिकन पीस जो बनाए थे, आपके आसान चीज बताऊं, नगेट्स क्यूब में भी बनते हैं, नगेट्स कीमे वाले भी बनते हैं।
सकते हैं, ठीक है जी 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 सही। अब मीट चिकन का कीमा क्यूब काट ले, क्यूब छोटी छोटी बोटियां, और उसमें कल वाली रेसिपी अब बने तो नगेट्स फाइव स्टार होटल वाला होगा तैयार। जी जी समझ आ गई? हाँ जी आ गई है। अच्छा आज का सवाल नहीं पूछेंगे आप, क्या था हमारी तो लाइट गई हुई है यहाँ पर। सवाल चले आपसे, सवाल है कि चिकन टमाटर, तो टमाटर सब्जी है या फ्रूट है, क्या लगता है आपको? टमाटर सब्जी है, फ्रूट है क्या? सब्जी है फ्रूट है, टमाटर सब्जी में शामिल होता है, तो मेरे ख्याल से तो सैलेड में फ्रूट। अच्छा चले आपका जवाब भी आ चुका है, थैंक यू। दोस्तों ये पैन गरम है, इसमें ऐड कर दें अनियन, जैसे कि आपसे कहा कि आज काम अच्छा हमारा ज्यादा है, तो प्याज ऐड की, ऑयल अब तक ऐड नहीं किया, ऑयल शामिल नहीं किया, तेल हमें शामिल नहीं किया, सभी ये ऐड कर रहे हैं जी इसके अंदर, अब प्याज और जरा से ऐसे हिला लीजिए, इससे ये होगा कि इसका मॉइस्चराइजर खत्म हो जाएगा, प्याज यहीं पे खुश्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। उसके बाद इसमें आपने शामिल करना है, क्या चीज ऐड करनी है, ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, और मीट भी काट लेते हैं, और शहर लाहौर से मौजूद है मलका, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आपका नाम मलका है? हेलो, क्या नाम है आपका? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस किसी शहर से मौजूद हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, पाकिस्तान, दुनिया में जहां कहीं, शुक्रिया। प्याज नरम कर रहे हैं, उसके बाद देखिए सिंपल रेसिपी है चिकन टमाटर, चिकन टमाटर। ये मेरा मानना है, आई स्ट्रॉन्गली बिलीव एंड आई थिंक वी नीड टू फॉलो डेट, कि एक ही कौरमा, एक ही कढ़ाई, एक ही बिरयानी, एक ही कुन्ना, इनसे हटकर 1000 पाकिस्तानी और खाने हैं। आप इस चीज़ के मोहताज नहीं कि आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाएं तो कुछ नया जायका मिले, आप अपने घर के किचन में हर रोज एक नया जायका बना सकते हैं, ठीक है जी। एक रेसिपी और फॉलो शेयर करें, जरूर फॉलो कीजिएगा। प्याज सॉफ्ट हो रही है, रेस्टोरेंट में भी जरूर जाएं, होटल में भी जाएं, अच्छी चीज़ है और दिल करता है, लेकिन व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि सब कुछ आप अपने घर के किचन में भी बना सकते हैं, जो आप बनाना चाहें। प्याज नरम हो रही है, मीट काट लेते हैं, वक्त कम है, ठीक है जी। टमाटर फ्रूट है या सब्जी, आसान तरीन सवाल, आसान आसान भी है, मुश्किल भी है, वन अटेम्प्ट में जवाब देना है, एक दफा चेंज नहीं कर सकते जवाब अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं आप? मिसेस अलीम। मिसेस अली अलीम। अच्छा मिसेस अलीम, अलीम साहब कैसे हैं, सेट हैं? मिसेस अलीम जी, जी मिसेस अलीम जी, ALEEM अलीम, अलीम कैसे हैं अलीम साहब, सेट हैं? अलीम साहब नहीं साहिबा, कैसी हैं आप अलीम साहिबा, कैसी हैं आप, खैरियत है, क्या कहेंगी? हाँ अल्लाह का शुक्र, मैं सिर्फ एक हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपने हेयर टाई अप करके आया करें, या तो शेफ कैप जो होता है वो पहन लिया करें। अच्छा अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये प्याज सिंपली ये सॉल्व करनी, और साथ ही मीट के भी क्यूब्स काट लेते हैं, सिंपली इस तरह से रखा और ये इस तरह से काट लेना, देखिए ठीक है जी, छोटे छोटे क्यूब्स, और ये देखिएगा कि ब्राउन ना हो जाए, ठीक है जी, प्याज ब्राउन ना हो उससे पहले ये क्विकली ऐड करना, ठीक है जी। अच्छा जो लोग हड्डी वाला मीट पसंद करते हैं तो हड्डी वाला मीट भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी, हड्डी वाला मीट भी शामिल कर सकते हैं, सिंपली इस तरह रखा और ब्राउन ज्यादा नहीं करना, उससे पहले ज्यादा ब्राउन हो 2 चम्मच अदरक लहसुन ऐड किया, ठीक है जी। वन से ब्राउन हो जाए तो फिर मजा खराब हो जाएगा, टेक्सचर भी और कलर भी। दिलशाद मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और शेफ कैसे हैं आप? जी दिलशाद जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। आज आप क्या बना रहे हैं?
आज ये चिकन टमाटर। अच्छा अच्छा, अच्छी लग रही है रेसिपी आपकी, बहुत शुक्रिया। और जवाब भी देना था कि टमाटर जो है वो फ्रूट है। टमाटर फ्रूट है? फ्रूट जी जी, फल है। अच्छा फल है, लेकिन अच्छा। सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल होता है। फल है लेकिन सब्जी के तौर पे। चलें, आपका जवाब भी आया दिलशाद। आज आपके मेन्यू में क्या बनने जा रहा है? वैसे आज हमारे यहाँ क्या बनने जा रहा है, आज हम लोगों ने सेम की फली बनाई है। क्या? सेम की फली। अच्छा सेम की फली, अच्छा क्या बात है जी, अच्छी भी है और सर्दियों में अच्छी लगती है मेरे साथ। जी हाँ जी हाँ, मटर और आलू के साथ। अच्छा दिलशाद, कोई फरमाइश है आपकी मैडम? नहीं, अल्लाह का शुक्र है आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं और झटपट बनने वाली सारी रेसिपीज होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शाबाश। ओ थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों इसमें मीट ऐड करें, ऑयल प्याज अदरक लहसुन के बाद मीट ऐड करें। अच्छा इस तरह आप कलेजी भी आप बना सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह आप कलेजी भी बना सकते हैं। जरा सा मजीद ऐड करते हैं ऑयल, 2 चम्मच मजीद, और से कीजिए मिक्स। और इसमें स्पाइसेस भी ऐड करने, लेकिन वक्फा ब्रेक का टाइम है तो टमाटर की कर रहा हूं मैं कटिंग, ठीक है जी, और आप लीजिएगा ब्रेक, ठीक है जी। टमाटर स्लाइस काट रहे हैं, इसकी बुनाई जा रही है, एंड लेट्स टेक अ ब्रेक। वक्फे के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर शो, वन मोर टाइम खुशामदीद कहते हैं, ठीक है जी। प्रोसेस बिल्कुल जारी है और चिकन टमाटर बना रहे हैं, ऑयल प्याज अदरक लहसुन ब्राउन किया, उसके बाद चिकन, चूल्हा हम बंद कर चुके थे, फिर चूल्हा हमने ऑन किया, टमाटर काट चुके हैं, लास्ट एक पीस काट लेते हैं, ठीक है जी। और इस तरह से आपने ये टमाटर को भी ये स्लाइस काटा। स्लाइस टमाटर ऐड करते हैं हमारे इस पोर के अंदर क्विकली, ठीक है जी। टमाटर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है आई थिंक कॉम्पेटिबल दही के, ज्यादा अच्छा जायका मिलता है। टमाटर शामिल करें इसके अंदर, टमाटर अच्छी खासी ऐड किया। टमाटर ऐड करने के बाद बुनाई इसकी होने दीजिए और इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस भी शामिल करते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले वही अज्जा डेफिनेटली जहां से आगाज हुआ जायके का, नमक, आधा चम्मच ये नमक ऐड किया, हाफ टीस्पून। वो अज्जा जिसके हवाले से लोग कहते हैं कि मौत के सवा सभी बीमारियों का इलाज, कलों जी, ये आधे चम्मच से भी जरा कम है, ठीक है। सौंफ, पान वाला ये जो सौंफ, खुशबू बहुत अच्छी आएगी इससे और फ्लेवर भी अच्छा आता है, अरोमा इसका यकीनन मजे का। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड किया। और यहाँ तक पहुँचने के बाद कीजिए इसकी भुनाई, कीजिए इसकी जबरदस्त भुनाई। ठीक है जी, कीजिए इसकी जबरदस्त भुनाई ताकि टमाटर भी मेल्ट हो और स्पाइसेस का जायका भी मीट के अंदर तक रचे, फ्लेवर इसका मजे का बनने डेफिनेटली बनेगा इंशाल्लाह। उसके साथ ही जहां हम चिकन टमाटर बना रहे हैं, एक और चीज बहुत जरूरी है और वो जो चीज है वो है रेसिपी जो डिजर्ट में बना रहे हैं, फ्रूटी कस्टर्ड। तो फ्रूटी कस्टर्ड के लिए पॉट पतीला मौजूद है, इसमें हम ऐड करते हैं 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध ऐड करते हैं जी, ठीक है जी। बिल्कुल ड्राई कर लेना है और मेक श्योर कीजिए कि डिजर्ट के लिए अलहदा बर्तन भी रखिए। 1 लीटर दूध ऐड करते हैं इसी के अंदर, 1 लीटर शामिल करें दूध, मुकम्मल गिजा, सेहत का खजाना। कस्टर्ड के लिए इसे पकने दीजिए अच्छी तरह से,
चलिए जरा और आसान करते हैं, और दूध के साथ इसी के अंदर ऐड करते हैं चीनी भी। 1 लीटर दूध में 200 ग्राम 200 ग्राम चीनी, या अगर कप्स में हो तो 1 कप चीनी, परफेक्ट मीठा होगा। ये जरा बिग साइज का कप है, इसमें 250 ग्राम मेरे ख्याल से चीनी है, तो ये फुल ऐड नहीं करना। 1 कप चीनी ऐड करने के बाद कॉन्टिन्यूसली से चम्मच भी चलाते रहिए ताकि चीनी का दाना खत्म हो और ये कस्टर्ड भी आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड हमारा ये चिकन टमाटर का, अब आपको ये फील होगा कि टमाटर भी मेल्ट हो रहे हैं और एक अच्छा फ्लेवर भी आता जा रहा है। इसे मिक्स कर लीजिए, देखिए ये देख रहे हैं, अब जो ये टॉप पर जो टमाटर मेल्ट हो रहे हैं इसका एक खास जायका ये मीट के अंदर तक रचेगा, जो जरूरी भी है। ठीक है जी, जो मीट के अंदर तक रचेगा और ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है जी, ऐड करने के बाद इसे मेल्ट होने दीजिए परफेक्टली। ठीक है जी, यहां पहुंचने के बाद ये और रेसिपी जो आज हम बना रहे हैं जी, चिकन टमाटर, इसमें क्या बनाया, सबसे पहले ऑयल ऐड किया, प्याज अदरक लहसुन ब्राउन किया, ब्राउन करने के बाद इसमें हमने मीट यानी कि चिकन ऐड किया, उसके बाद सफ़ेद जीरा सौंफ शामिल की, लाल मिर्च, नमक, कलौंजी, भुनाई जारी रखी। टमाटर मेल्ट होने जा रहे हैं जैसे कि हम देख सकते हैं। इस पॉइंट पर कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, वो क्या ऐड करते हैं ज़रा देखिएगा, ये ग्रीन चिली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 8 अदद नॉर्मल साइज की ग्रीन चिली ऐड की, इसके साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला भी इसी के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है जी, गरम मसाला पाउडर, ये ज़ाहिर खुशबू के लिए होता है, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना। ये आधा चम्मच आपने गरम मसाला ऐड किया, और फिर से ऐसे कीजिए जबरदस्त मिक्स ताकि ये अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए और इसकी मीट के अंदर इसका फ्लेवर अच्छा। ठीक है जी, मिक्स इट वेल, और जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोसेस जारी, और साथ ही दूध का भी लेट सी फ्रूटी कस्टर्ड कहां तक पहुंचा, बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं है, ये जो टमाटर हमने शामिल किए थे टमाटर की ग्रेवी एक सॉस बन जाएगी इसी के अंदर। दूध चीनी इसे भी कॉन्टिन्यू जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसे प्रोसेस जारी रखना। एक चीज वाजे कर दें आपको कि कस्टर्ड भी ये बुनियादी चीज है, डिजर्ट में कस्टर्ड जब अच्छा सीख लेते हैं तो फिर भी काफी आसान हो जाता है। तो कस्टर्ड का ये तरीका होता है कि 1 लीटर दूध आपने बॉइलिंग के लिए रखा, उसमें चीनी ऐड की, कॉर्नफ्लोर से थिक किया, कॉर्नफ्लोर से थिक किया, तो एक अच्छा सा कस्टर्ड हो जाता तैयार। ये बिल्कुल आई थिंक ये गलत परसेप्शन है कि सिर्फ कस्टर्ड पाउडर ही जरूरी नहीं है, कॉर्नफ्लोर आप ऐड कर लें, सफ़ेद कस्टर्ड बिल्कुल कस्टर्ड है, फ्लेवर जो आप ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह और नई रेसिपीज बनाएंगे, ये भी शेयर करते हैं आपको बताते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और एक चीज मैं कहूंगा हमारे ये पाकिस्तानी दोस्तों से, हमारी कौम से, कि इन चीज़ों पे आप ना जाएं, इन चीज़ों पे जाएंगे तो आखिरकार आपको नुकसान होगा। ठीक है जी, अब बहुत से स्कूल्स में सिर्फ ये देखा जाता है, माँ बाप खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे यूनिफॉर्म में जा रहा है, इतने भारी भारी बैग्स हैं, स्कूल बहुत खूबसूरत बना हुआ है, इन चीज़ों पर देखना चाहिए। लेकिन आप देखें वहाँ की तालीम कैसी, एजुकेशन की है। इसी तरह हर चीज़ में दिखावा के अलावा उसका कंटेंट देखिए कि उसमें आपको क्या मिलने जा रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ें ज़्यादा अहम भी हैं, ठीक है ना, जो बहुत ज़रूरी है, उससे फ़ायदा भी आपको होगा। इसी तरह फूड में भी ऐसा ही है, बेसिक अज्जा से भी आप अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत कोई महंगे एक्सपेंसिव चीज़ें हों या कोई इंपॉर्टेंट आप मीट यूज़ करें, आप सिंपल चीज़ों से भी काफ़ी क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं। ठीक है, रेसिपी हमारी जस्ट अबाउट रेडी। ठीक है जी, और नान के साथ पेश करना है, और ब्यूटीफुल क्रोकरी जैसे कि आप देख रहे हैं,
ये बिलमैक्स की जानिब से इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें डिनर बलेट्स भी हैं और फाइन डाइनिंग या लंच डिनर के लिए भी इसमें आपको ज़बरदस्त बिलमैक्स की आपको क्रॉकरी मिल जाएगी। और साथ ही 1000 से ज़्यादा इसके आर्टिकल हैं, 1000 से ज़्यादा इसके डिज़ाइन हैं। बिलमैक्स का आपको शोरूम लोकेटेड है गुल प्लाजा में, गुल प्लाजा कराची में। और साथ इसकी ख़ास बात, यूके और यूरोप अमेरिका के मयार की इनकी क्रॉकरी तैयार की जाती है जो बहुत ज़बरदस्त है जी। प्रेजेंटेशन भी इसकी बहुत अच्छी आएगी। तो ये बात थी हमारी बिलमैक्स की और ये रेसिपी भी हमारी। ऑन दी अदर हैंड कस्टर्ड देखिए, ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है, ये आपने ना देखा तो बाहर आ जाएगा, छलक जाएगा। ठीक है जी, दूध, दूध के बाद चीनी, इसे पका लिया। अब इसे हमने कॉर्नफ्लोर एड करना, इसे थिक करना। ठीक है जी, तो जरा कॉर्नफ्लोर की जानिब चलते हैं और बाउल के अंदर जरा कॉर्नफ्लोर को डिजोल्व कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। जवाब भी दीजिए, ज्यादा कॉल शायद नहीं ले पा रहे, टाइम वक्त कम है, लेकिन कि टमाटर फ्रूट है सब्जी। तो इस बॉल के अंदर कॉर्नफ्लोर डिजोल्व करें और मौजूद है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, कैसे हैं आप? जी सदम साहिबा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, वेलकम टू आवर शो। और क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो आपकी तारीफ करूंगी, आपका ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा है इसका। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। और दूसरा, आप ये कस्टर्ड बना रहे हैं तो मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है फ्रूट कस्टर्ड, तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसमें मजे मजे के फ्रूट्स भी ऐड करेंगे और ये और भी मजे का, इसकी वजह से तो मजे का लगता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी आप जी बना रहे हैं चिकन, टमाटर चिकन जो बना रहे हैं आप, जी जी, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा आपने अचारी मसाला डाला है इसमें सारा, तकरीबन आपने कलौंजी और ये सब डाला है, ये अचार का जो मसाला होता है मे भी वही है सारा ना ये। क्या बात है, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा लग रहा है काफी, देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा सदफ, टमाटर फ्रूट है या सब्जी? ये फ्रूट है। फ्रूट है, अच्छा अच्छा, चले आपका जवाब भी आया। एंड अच्छा, मुझे एक फरमाइश करनी थी, मतलब वो चाइनीज की। चाइनीज में क्या बनाया बताएं? चाइनीज में फ्राइड राइस जो है वो जो मिक्स वेजिटेबल वगैरह डलती हैं उसमें। ठीक है जरूर बनाएंगे, मुझे ज्यादातर वही सबसे अच्छा लगता है मुझे। जरूर जरूर, डेफिनेटली आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी, ओके थैंक यू। दोस्तों, इस रेसिपी की प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं और कस्टर्ड भी बनाना है और इस वक्त छोटा सा वक्फा है, और लेकिन वक्फे से पहले आपको बताएं कि ये कॉर्नफ्लोर को जो डिसॉल्व कर चुके हैं, स्लोली स्लोली इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है जी, ये स्लोली स्लोली कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, कॉन्टिन्यूसली चम्मच चलाते रहना। और ये 1 लीटर दूध था जो 800 ml रहा है अभी पकने के बाद, तो ये देखिएगा कैसे हमने कुक अच्छी तरह से किया। डिसॉल्व कर रहे हैं, कस्टर्ड हो रहा तैयार, वक्फे की जानिब चलते हैं, वक्फे के बाद इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। दूर रहकर भी अलविदा न कहना, यादों में रहना, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर शॉप। चिकन टमाटर हमारा तैयार हो चुका है, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना, इतना काफ़ी है। ठीक है जी,
और आपसे कहेंगे आप फेसबुक की दुनिया में तो जरूर ज्वाइन करें, शेफ 21 के नाम से पेज है हमारा, मुझे आप तलाश कर सकते हैं इकबाल शाह के नाम से, जरूर ज्वाइन कीजिए, रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, निकाल लेते हैं। तो बात कुछ ऐसी के विलमेक्स की ब्यूटीफुल प्लेटर के अंदर हम निकाल लेते हैं। देखिए, लुक एट दिस, जबरदस्त इसका टेक्सचर, धुआं उठ रहा है। चपाती के साथ खाएं, नान के साथ मर्जी है, बॉनलेस से जरा खाने में आपको आसानी भी होगी और कलौंजी और सभी चीजों का जायका अच्छा सा रच चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ऊपर मिर्ची आ जाएंगी, ठीक है जी, देसी अज्जा है। और एक बात आपको वाजे कर दें कि हमें लगता है कि दुनिया वाले अजीब से खाने खाते हैं, अजीब से गोश्त खाते हैं, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में यही मीट खाया जाता है, यही चिकन, यही बीफ, यही मटन, यही फिश मोस्टली, ठीक है, सी फूड काफ़ी होता है, स्पाइसेस में फ़र्क होता है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ अलग अलग मीट होता है, लेकिन वैसे ऐसा नहीं होता। मैं खुद इटालियन शेफ हूँ, दुनिया भर में यही चीज़ें होती हैं। टमाटर की ग्रेवी आपको हर खाने में मिलेगी, इटालियन में भी, फ्रेंच में भी, मेडिटेरेनियन में भी, मिडिल ईस्ट में भी आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो ये सिर्फ इसमें आपने स्पाइसेस कम कर लें तो दुनिया के हर मुल्क का इंसान ही खाएगा, उसको मज़ा आएगा। टमाटर सॉस दुनिया में बनती है, ठीक है। तो सिंपल, ज़्यादा गार्निश भी नहीं कर रहे इसकी, सिंपली सिर्फ हरा धनिया, बीच में आपने इस तरह से कोरिएंडर रखा, और आई थिंक सीम्स अमेजिंग। देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी, जो हमारी ये फोर्टी कस्टर्ड है। कस्टर्ड का ये टेक्सचर देखिए, इससे ज्यादा थिक नहीं करना, और आपको आसान कर दें, चाहे लबी शीरी या दूध दुलारी भी बना रहे, इस तरह से आप पहले आप ये तैयार कर लें। दूध, चीनी, कॉर्नफ्लोर से थिक कर लिए, चूल्हा कर लीजिए बंद, ठीक है जी। लबी शीरी में भी चूल्हा बंद करने के बाद इसे आप ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है वो आपको बताते हैं। और फ्रूट्स देखिए, यहाँ पे जेली मौजूद है, लाल ग्रीन जेली मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं, केक मौजूद है, क्रीम, ड्राई नट्स, तो ये सभी चीज़ें इसी के अंदर हमने ऐड करनी है। तो बल्कि ऐसा करना है कि बजाय इसके कि आप इसके अंदर करें आपने, ठीक है ना, आपने क्या करना है कि उस प्रेजेंटेशन के जिसमें करने उसी के अंदर निकाल लेते हैं, ठीक है जी। ये हो चुका है कस्टर्ड, और इसी के अंदर क्रीम भी ऐड करते हैं, 1 लीटर दूध में ये क्रीम भी इसी के अंदर ऐड किया, फ्रेश क्रीम, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कीजिए इसे मिक्स। अच्छा, जब आप बनाएं, ठीक है ना, साइलेंस, दूध, चीनी और इसमें क्रीम ऐड किया और इसे मिक्स इट वेल, दाना इसमें बिल्कुल ना बने। अब जरा इसकी प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं, इसे जरा हैंड विक से भी बीट कर सकते हैं आप या फॉक से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इकबाल भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से आप? ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं सर आप? शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब, कैसे हो आप, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, बस आपकी रेसिपी देखता हूँ, इस टाइम ऑफिस आया था तो रेसिपी देखता हूँ आपकी, अच्छी लगती है। आज टमाटर रोज बना रहे हैं आप? बना नहीं रही, बन चुका है शाहिद साहब। अब आओ, देख रहा हूँ, देख लिया मैंने, थोड़ा सा देखा मैंने। जी जी, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है। और क्या आपका सवाल का जवाब भी दे दूँ मैं आपको? जी जी, फरमाइए। फल है क्या? ये आप, ये टमाटर जो है फल है, टमाटर फल है, इस्तेमाल होता है। अच्छा, यानी कि सब्जी नहीं है? सब्जी नहीं, फल है। अच्छा अच्छा, बर्तन जो है ना व्हाइट वाले, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, चले आपका जवाब भी आया शाहिद साहब। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश जो है वो पूरी नहीं हो रही। कौन सी फरमाइश आपकी? वो जो कोरमा मैंने कहा था, कोरमा बनाए आप जी। आपकी फरमाइश मुझे पसंद आई, जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह आपके लिए। अच्छा दोस्तों, इस तरह के दो बहुत खूबसूरत ये क्रॉकरी विलमिक्स के अंदर इसकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह बॉल्स में भी, बल्कि आपने देखा होगा आजकल 5-star होटल्स में भी, कि छोटी छोटी
बाउल में बहुत इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, जरूरी नहीं कि आपने बिग बाउल के अंदर ही इसकी प्रेजेंटेशन की। किस तरह से करनी जरा देखिएगा। ये दो बाउल हैं, ये रखे दो, ठीक है जी, विल मिक्स कर दो। और उसके बाद इसमें आपने ये जो सबसे पहले बनाना केले इस तरह से काट लेने, एप्पल या कोई और भी फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है जी, इसके सरफेस पे आपने एप्पल बनाना बिछा ली, केले ऐड कर लिए। इसी तरह दूसरे एक में भी और दूसरे में भी। ठीक है जी, ये जो केक पीस है सिंपली ये फूड केक, इसे भी आपने इस तरह से काट लेना। और इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लेना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक, आप बताइए, खरीद थे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज आपने बहुत जबरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। जी बहुत चिकन, मैंने रेसिपी नोट कर ली, इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। जी सना, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। मैं जब से कॉल मिला रही हूँ अब लगी है एंड में। मुबारक हो, फाइनली कॉल तो मिली है आपकी। आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है, माशाल्लाह पिंग में बहुत जबरदस्त लग रहे हैं आप, नजर उतार लीजिएगा अपनी। नजर उतार लें? जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा सवाल करने। जी बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी, प्यार है, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ये केले काट लिए, इसके साथ ही ये केक है, केक भी इस तरह से रखे, इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कॉम्पिटिटिवली कस्टर्ड के जिन बाउल उसके अंदर प्रेजेंटेशन कर उसके अंदर निकालिएगा। ठीक है जी, केले के बाद ये केक और केक पीसेस के साथ ही ये जेली जो हमने जमा ली है, रेड एंड ग्रीन दोनों तरह की जेली, कट्स लगा लीजिए दोनों तरह की जेली, रेड उसके बाद ही ग्रीन भी। ठीक है जी, और ये पहले ग्रीन जेली जेली दोनों मेड करते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर भी मेड कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी है। ठीक है, एक में और दूसरे में ये ग्रीन जेली, उसके बाद ये लाल जेली, और टॉप पर जरा देखिएगा, इसके टॉप पर ये जो क्रीमी कस्टर्ड है, ये क्रीमी कस्टर्ड ऐड करते हैं इसके टॉप पर। लुक एट दिस, ठीक है जी, टॉप पर भी कुछ ये केक भी कुछ चॉकलेट चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, और जेली ले आते हैं रेड और ये जरा सी ग्रीन, साथ ही कुछ बादाम पिस्ते जो हमने चॉप कर लिए थे, तो आलमंड पिस्ताशू भी टॉप पर हम ऐड करते हैं। ठीक है जी, इस पे भी और दूसरे पे भी, सरफेस पे जो आप फ्रूट चाहें बिछा लीजिए, कस्टर्ड अच्छा बना होना जरूरी है। देखिए टॉप पर कुछ केक ऐड किए और ये दोनों तरह की जेली, ठीक है जी। तो सिंपली आज की हमारी दोनों चीजें हो चुकी हैं तैयार, और सफाई और फिर आपसे लेते हैं इजाजत भी, जबरदस्त नान भी आ चुके हैं, सफाई जरूरी है जी, और अपना रखिए ख्याल, लेकिन अच्छा खासा है, मेरे ख्याल से 10 अफराद के लिए कस्टर्ड काफी है। ठीक है जी, 10 अफराद के लिए भी कस्टर्ड काफी है। जरा सी क्लीनिंग, नान भी आ चुके हैं, प्रेजेंटेशन की करते हैं तैयारी, अपना रखिएगा बिल्कुल ख्याल, और नान भी सॉफ्ट दूध वाले नान है, मजा आएगा एंजॉय करते हुए। ठीक है जी,
एजेस इसके जरा मैं साफ कर लेते हैं एजेस। ठीक है जी, इसके जरा एजेस साफ किए। ठीक है जी दोस्तों, खुश रहें, शाद आबाद रहें, अच्छा खाना खाएं, और जाते हुए यही कहेंगे कि इस दुनिया में ना आपको कोई नाकाम कर सकता है ना कामयाब कर सकता है, एक आप ही होते हैं जो अपने आप को नाकाम करते हैं, कामयाब करते हैं, दुखी या खुश करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।